गुजरात चुनाव को लेकर पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम प्रजा विजय पार्टी रखा गया। बता दें हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित ये पार्टी राज्य की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वंजारा खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। वहीं प्रजा विजय पार्टी के ऐलान के बाद वंजारा ने न्यूज 24 से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने सीधे बीजेपी को चुनौती दे दी। गुजरात में बीजेपी का शासन 27 साल से चल रहा है। बीजेपी का विकल्प अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टीज है उसके पास नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस रिप्लेस नहीं कर सकती, बीजेपी को आम आदमी पार्टी रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि बीजेपी है वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। लोग गुजरात के लोग हिंदुत्व के दायरे के बाहर जाना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, नई पार्टी पर बात करने के दौरान वंजारा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और साथ ही उस पर राज सत्ता के मोह का आरोप लगा दिया। हमारा जो पक्ष है प्रजा विजय पक्ष, ये प्रजा विजय पक्ष एक हिंदुत्ववादी पक्ष है जैसे बीजेपी हिंदुत्ववादी पक्ष है, लेकिन इससे हम एक कदम आगे है। प्रजा विजय पक्ष राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता को शामिल करना चाहते हैं जो बीजेपी नहीं चाहती है। तो इसकी वजह से हम एक नया मुद्दा लेके और हम एक नई विचारधारा के साथ गुजरात राज्य के चुनावी मैदान में आए हैं, तो बीजेपी का जो विकल्प है वो प्रजा विजय पक्ष बन सकता है। इसके अलावा गुजरात चुनाव पर बीजेपी के साथ कांग्रेस और आपको आड़े हाथों लेते हुए आगे वंजारा ने कहा, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति बिल्कुल भ्रष्ट करती है। यही हाल गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन का है। कांग्रेस ने बिना किसी सफलता के बीजेपी को बदलने का प्रयास किया, आप भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाएगी। वहीं बीजेपी से टिकट ना मिलने के सवाल पर वंजारा का कहना है, मैं टिकट मांगने वाला नहीं हूं, बल्कि टिकट देने वाला हूं। मैं दाता हूं, भिखारी नहीं। ये विचारधारा और सरकार बदलने की जरूरत का सवाल है। गौरतलब है कि गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी रहे डीजी वंजारा की छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। हालांकि इन पर कई फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। वहीं 2013 में इशरत जहां मामले में सीबीआई ने वंजारा को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि 2019 में सीबीआई कोर्ट ने आरोप को खारिज करते हुए वंजारा को बरी कर दिया। फिलहाल गुजरात चुनाव में वंजारा की पार्टी प्रजा विजय पक्ष की एंट्री से क्या मोड़ आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।